अपने YouTube चैनल जॉब प्लानर में। दोस्तों आज मैं आपके बीच जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो आपके बुक और उसके ऑथर से है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आज का जो है हमारे ऑथर वो कौन है। तो ऑथर का जो नाम है यानी कि लेखक का जो नाम है वो है आपका है मैथिली सेन गुप्त। तो मैथिली सेन गुप्त की रचनाएं के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि उनके कितने मतलब रचनाएं थे। मतलब वैसे तो इनके रचनाएं बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं की अगर हम लोग बात करें ना, यानी कि इनके जो बुक्स हैं उनकी बात करें, तो आज हम लोग उसे कवर करने वाले हैं। वो भी एक बिल्कुल ट्रिकी मामला है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मैक्सिमम एग्जाम में जो है आपके बुक और उसके ऑथर से प्रश्न आते हैं, जिसमें कि आपका मैथिली सेन गुप्त का नाम तो रहता ही है। तो सबसे पहले मैथिली सेन गुप्त की जो रचनाएं की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है आपका जयद्रथ वध का। किसका? जयद्रथ। दूसरा जो है वो है आपका यशोधरा, और तीसरा आपका भारत भारती, जबकि चौथा है आपका साकेत, पांचवा है आपका पंचवटी, और छठा आपका कौंडिन्य। वैसे और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख है आज हम लोग बस उसे देख रहे हैं, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो रेलवे का हो या फिर बिहार पुलिस का हो या किसी और भी एग्जाम की बात करें। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है। ट्रिक का नाम है आपका जय भाषा पंचमिला, जहां पर ज से जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयद्रथवध, य से जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यशोधरा, भा से जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत भारती, सा से हो जाएगा आपका साकेत, और पंच से हो जाएगा आपका पंचवटी, और नीला से हो जाएगा आपका उर्मिला, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं एक ही माध्यम से, मतलब एक ही बार में, आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक को दो से तीन बार आप बोल दीजिए जय भाषा पंचमिला, बाकी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप उत्तर कर ही सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक जिसे आपने देखा। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तक कितने जॉब लगा।